अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और आज चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 11 के साथ हाजिर हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ टाइम्स देखे थे, फॉर एग्जांपल वक्त औकात देखे थे, यानी के चिंथियन आज, मिंगथियन आने वाला कल, जोथियन गुजरा हुआ कल। तो आज इस वीडियो में हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मेरे पास पहला एक जुमला है, मिंगथियन वाचु मरी। हमने इतना पार्ट पहले देखा था कि वाचु मरी, मैं मरी जा रहा हूं, ठीक है। हमारे पास ये अभी आप मिंगथियन वाला पार्ट रहने दे, ये वाला हिस्सा रहने दे, आगे वाला हिस्सा देखिए। हमारे पास है जी वाचु मरी, यानी मैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है मैं मरी जा रहा हूं, या इसका मतलब ये भी हो सकता है मैं मरी जाऊंगा, या इसका मतलब ये भी हो सकता है मैं मरी गया था। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या कह रहा है? तो जब हम उसके साथ मिंगथियन, चिंथियन, जोथियन लगा देंगे तो वो हमें बता देगा कि वो क्या करने वाला है, वो करेगा या वो कर चुका है या वो कर रहा है, ठीक है। वो हमें इससे अंदाजा हो जाएगा। अब देखिए, मैंने यहां पर लगा दिया मिंगथियन, इसका मतलब हमें पता चल गया जी आने वाले कल की बात हो रही है, यानी गा गे घी की बात होगी, यानी मिंगथियन वाचु मरी, कल मैं मरी जाऊंगा। अब इसका मतलब ये, अब मिंगथियन लग गया तो यानी आने वाले कल की बात हो रही है। तो मिंगथियन, चिंथियन, जोथियन, इनको हम हमेशा स्टार्ट में लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले। ये देखें, ये टाइम आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, ये एक्शन आ गया, वर्ब आ गया, यानी ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। मिंगथियन, चिंथियन, जोथियन हमेशा शुरू में लगेंगे, ठीक है, और एक्शन जो है वो सब्जेक्ट के बाद में। तो ये देखिए, मिंगथियन लग गया, अब हमें अंदाजा हो गया कि आने वाले कल की बात हो रही है, यानी मिंगथियन वाचु मरी, यानी कल मैं मरी जाऊंगा, ठीक है। इसी तरह आप ये देखें, जोथियन लग गया, जोथियन यानी गुजरे हुए कल की बात हो रही है, हमें पता चल गया स्टार्ट में जोथियन। अब कह रहे हैं जोथियन था द पापा, उसके अब्बू लाए वादा चिया, लाए मतलब आना, वादा चिया मेरे घर, चिया हमने देखा है इसका मतलब है घर, चिया मतलब घर, चियारन में चिया यूज होता है, आपने पिछली वीडियो में देखा, चिया का मतलब घर। यानी जोथियन यानी पिछले गुजरे हुए टाइम की बात हो रही है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, कल उसके अब्बू मेरे घर आए थे। जोथियन कल था दा पापा, उसके अब्बू लाए आए थे वादा चिया मेरे घर। यस्टरडे हिज फादर केम टू माई हाउस, ठीक है। जोथियन लग गया यानी गुजरे हुए कल की बात हो रही है, यस्टरडे की। अब देखिए, हमारे पास आ गया चिंथियन, चिंथियन यानी आज की बात हो रही है, कदम चिंथियन वाचु लिबर्टी, आज मैं लिबर्टी जा रहा हूं, ठीक है, या आज मैं लिबर्टी जाऊंगा। समझ आ रही है आपको बात? चिंथियन की वजह से हमें पता चल गया कि कौन से जमाने की बात हो रही है, आने वाले की, गुजरे हुए की, या इस वक्त की, ठीक है, चिंथियन यानी आज। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों वर्ड है, ये देखें, शोए। चाइनीज के अंदर एक्स को हम शीन के तौर पर पढ़ते हैं, ठीक है, हमने पहले भी देखा। तो शोए, एक्स यू ई, इसको हम कैसे बोलेंगे, शोए, 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 और इसके साथ एक्स आई लगा दिया तो ये क्या बन गया, ये गलती से शी लग गया यहां पे, ठीक है, एक्स आई लगा दिया तो यानी शी, तो पूरा वर्ड क्या बन गया, शोए शी, शोए शी, शोए शी, यानी टू स्टडी, मुतालिया करना, पढ़ना, ठीक है। शोए शी का मतलब क्या है, मुतालिया करना। आप मेरे साथ बोले, शोए शी, मुतालिया करना, टू स्टडी। अब हम इसका यूज देखें, वा शोएशी, मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी, ठीक है, वा शोएशी, मैं पढ़ता हूं, ये सब्जेक्ट के बाद आएगा क्योंकि ये एक एक्शन है, शोएशी पढ़ता हूं एक्शन। इसी तरह था शोएशी, ही शी स्टडीज, यानी वो पढ़ता है या वो पढ़ती है, ठीक है। अब इसके, इसी तरह हम इससे क्वेश्चन भी बना सकते हैं मां का इस्तेमाल करके। हम कहते हैं जी, नी शोशी मां, क्या आप पढ़ते हैं,
यानी अगर हमने किसी से क्वेश्चन पूछना है, कोई बच्चा है उससे क्वेश्चन पूछते हैं क्या तुम पढ़ते हो, या कोई बड़ा है उससे पूछते हैं क्या आप पढ़ते हैं, तो हम कैसे कहेंगे? नी शर्शीमा, क्या आप पढ़ते हैं? मा का हमने यूज देखा था, हम इसे क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या है? डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ते हो? ठीक है, आपसे क्वेश्चन हुआ नी शर्शीमा, क्या आप पढ़ते हैं? आप जवाब क्या देंगे? वा शोईशी, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, वा शोईशी, मैं पढ़ता हूं। इसी तरह हमसे कोई क्वेश्चन ये भी कर सकता है, हमने देखा था शम्मा यानी व्हाट, क्या। हमसे कोई पूछ सकता है कि आप क्या पढ़ते हैं, पहले उसने पूछा क्या आप पढ़ते हैं, आपने कहा हाँ मैं पढ़ता हूं, फिर वो पूछता आप क्या पढ़ते हैं, नी शोईशी शम्मा, आप क्या पढ़ते हैं, नी शोईशी शम्मा, व्हाट डू यू स्टडी, पहले उसने कहा डू यू स्टडी, अब वो कह रहा है व्हाट डू यू स्टडी, आप क्या पढ़ते हैं, नी शोईशी शम्मा, तो आप जवाब कैसे देंगे? वा शोईशी चाइनीज, मैं चाइनीज पढ़ता हूं। वा शोईशी ये एक्शन हो गया यहां पे, अब उसके बाद करते क्या है, चाइनीज पढ़ता हूं, तो चाइनीज लास्ट पे, वा शोईशी चाइनीज। अभी तक हमने चाइनीज की, चलो ठीक है अभी रहने देते हैं, वा शोईशी चाइनीज, मैं चाइनीज पढ़ता हूं। ठीक है, चाइनीज जो है इसको, इसकी जो चाइनीज है वो हम आगे देखेंगे, अभी हमने चाइनीज की चाइनीज नहीं देखी, तो इसलिए अभी तक यहां पे हम यही यूज करेंगे। वा शोईशी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं। वा शोईशी उर्दू, मैं उर्दू पढ़ता हूं। ठीक है, समझ आ रही है कैसे इसका इस्तेमाल करना है। अब ये देखें, मिंग थियन कल वा छू स्कूल, मैं स्कूल गया था। ये हमारा जुमला यहां तक कंप्लीट कर गया। अब नेक्स्ट जो भी आएगा वो बताने के लिए कि वहां स्कूल में जाके मैंने क्या किया था, शोईशी पढ़ने। देखें, मिंग थियन वा छू स्कूल, कल मैं स्कूल जाऊंगा, सॉरी गया था कह दिया मैंने, जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, किस क्या करने, शोईशी पढ़ने। ठीक है, अभी शोईशी लास्ट पे आएगा, यहां तक हमारा जुमला पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हम बता रहे हैं वो इजाफी बता रहे हैं कि स्कूल में जाके अब क्या करना है। ठीक है, वो लास्ट पे आएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, उम्मीद है जो मैंने अभी तक पीछे आपको बताया आपको समझ आ गई होगी। आप खुद से जुमले बनाएं और क्वेश्चन करें मुझसे, उसके अलावा प्रैक्टिस से सारी चीजें आएंगी। ये देखें, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ZHONG, चोंग, 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 कैसे बोलेंगे इसे, जैसे चोंग, चोंग, ZH यानी चे, चाइनीज में ZH को चे के तौर पर प्रोनाउंस करते हैं, यानी चोंग, चोंग इसका मतलब है सेंटर, सेंटर। ठीक है, मरकज जिसे कहते हैं उर्दू में। इसी तरह हमारे पास वर्ड है GUO, गोवा, 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 ठीक है, गोवा, गोवा इसका मतलब है कंट्री, मुल्क, गोवा, कंट्री, मुल्क, गोवा। ठीक है, अगर मैं चूंग और इस गोवा को इकट्ठा कर दूं तो इसका मतलब हो जाएगा चाइना। ठीक है, चूंग गोवा, इसे कैसे बोलेंगे, चूंग गोवा, चूंग गोवा, चूंग गोवा, चूंग गोवा, चूंग गोवा, यानी चाइना। चाइना को चाइनीज में कैसे बोलते हैं, यानी चाइनीज जो होते हैं उन्हें, वो अपने मुल्क को क्या कहते हैं, चूंग गोवा। ठीक है, अब इसका जो एग्जांपल देखें, हम कहते हैं जी वा छू चूंग गोवा, मैं चाइना जा रहा हूं। अगर हमने कहना है मैं चाइना जा रहा हूं तो कैसे बोलेंगे, वा छू चूंग गोवा, वा छू चूंग गोवा, मैं चाइना जा रहा हूं। इसी तरह दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वन, WEN, वन, जिस तरह हम कहते हैं ना इंग्लिश में वन टू ओ एनी वन, इसी तरह से बोलना है वन, इसका मतलब है लैंग्वेज यानी जुबान। वन, वन लैंग्वेज यानी जुबान। अगर हम इसको चूंग के साथ लगा दें यानी चूंग वन, तो ये बन जाएगा चाइनीज लैंग्वेज यानी चीनी जुबान। ठीक है,
चीनी जुबान चुंग वन, यानी अब से हमने चाइनीज लैंग्वेज को क्या बोलना है चाइनीज में, चुंग वन। अगर हम किसी से कहना चाहते हैं चीनी जुबान तो हम कैसे बोलेंगे, चुंग वन चुंग वन। अब ये देखें इसकी एग्जांपल देखते हैं। नी शोशी शम्मा, आप क्या पढ़ते हैं? अब हम कैसे जवाब देंगे, मैं चाइनीज पढ़ता हूं। व शोशी चुंग वन, मैं चाइनीज पढ़ता हूं, मैं चीनी जुबान पढ़ता हूं, ठीक है। नी शोशी शम्मा, आप क्या पढ़ते हैं? व शोशी, मैं पढ़ता हूं चुंग वन चाइनीज जुबान चीनी जुबान, ठीक है। अब आपको पता चल गया चीनी जुबान को कैसे बोलेंगे, चुंग वन। अब ये देखें, वा लाए स्कूल, मैं स्कूल आया हूं शोशी चुंग वन, ठीक है। शोशी मतलब पढ़ने, चुंग वन चीनी जुबान। यहां तक हमारा जुमला मुकम्मल हो जाता है, वा लाए स्कूल, मैं स्कूल आया हूं, ये जुमला कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम बता रहे हैं शोशी पढ़ने क्या, चुंग वन चीनी जुबान, मैं स्कूल आया हूं चीनी जुबान पढ़ने, ठीक है। मिंग थियन वा छू, मिंग थियन कल, वा छू मैं जाऊंगा, क्योंकि मिंग थियन लग गया इसका मतलब है अगले फ्यूचर की बात हो रही है, अगले दिन की बात हो रही है। वा छू मैं जाऊंगा चुंगुआ चाइना, मैं चाइना जाऊंगा। शोशी पढ़ने चुंगवन चीनी जुबान, बात समझ रहे हैं कैसे किया हमने। मैं कहता हूं कि मिंग थियन वा छू, कल मैं जाऊंगा, यहां तक तो जुमला पूरा हो जाता है। वा छू मैं जाऊंगा, कहां जाओगे, चुंगुआ चाइना में, कल मैं चाइना जाऊंगा। फिर क्वेश्चन होता है क्या करने जाओगे चाइना में, वो कहता है शोशी पढ़ने, क्या पढ़ने जाओगे, चुंगु वन चाइनीज जुबान चीनी जुबान। मिंग थियन वा छू चुंगुआ शोशी चुंग वन, कल मैं चाइना चीनी जुबान पढ़ने जाऊंगा। तो दोस्तों आपने देखा कि ये वीडियो में मैंने आपको जो चीजें सिखाई बहुत ही आसान है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन है कमेंट में जरूर पूछें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।